हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पे। आज शेयर कैपिटल का पार्ट 3 रिवीजन वाला जो है सेक्शन हमने स्टार्ट किया था करेंगे। हमने लास्ट पार्ट में प्रोविजंस की थी शेयर कैपिटल के रिलेटेड, जितनी भी प्रोविजंस कंपनी एक्ट ने हमारे लिए बनाई हैं। अब हम आज करेंगे हाउ शेयर्स कैन बी इशूड से स्टार्ट, पार्ट 3 रिवीजन क्लासेस। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे साथ ग्रुप में जो है वो ज्वाइन हो जाएं, 9877043033। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप जो है वो मार्च 2020 सीबीएसई एग्जाम 12th के लिए भी है। ठीक है, मार्च 2020, और एक ग्रुप है हमारे पास सीए फाउंडेशन के लिए। सीए फाउंडेशन मतलब जो सीए का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो जून 2020 में होना है, उसके लिए भी हमारा ग्रुप है। इसके ऑनलाइन फ्री बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 20 दिसंबर से। मैं 20 दिसंबर से सीए फाउंडेशन के फ्री जो है बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाएं। मैंने नंबर आपको लिख दिया, 9877043033। मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको साथ ही ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हाउ शेयर्स कैन बी इशूड। ठीक है जी, शेयर्स जो हैं वो कैसे इशू होते हैं। देखो, शेयर्स कैन बी इशूड, शेयर्स जो हैं वो कैसे इशू होते हैं। शेयर्स इशू होने के या शेयर इशू करने के कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है फॉर कैश, दूसरा होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्लास 12th के लिए 3 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12th क्लास का 3 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके 99% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है और आ भी रहा है, काफ़ी सालों से लगातार आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर कैश। जब कंपनी गुड्स जो है वो कैश के बदले में इशू करती है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर कैश इन द फॉलोइंग वेज, एट पार। सो कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर कैश इन द फॉलोइंग वेज। अब कंपनी जो है कैश में शेयर इशू करती है किन किन तरीकों से। सबसे पहला वे है एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम, तीसरा है डिस्काउंट। पार का मतलब जितने का शेयर है कंपनी उतने का इशू करती है, जितने का कंपनी ने प्राइस निकाला है उतने ही प्राइस पे इशू करती है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। दूसरे नंबर पे आता है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, जितनी शेयर की फेस वैल्यू है या पार वैल्यू है उससे महंगा बेचना, उसको बोलते हैं प्रीमियम। और थर्ड नंबर पे आता है डिस्काउंट, जब कंपनी शेयर को कम प्राइस के ऊपर इशू करती है, लेस देन द फेस वैल्यू, मतलब जितनी पार वैल्यू है या जितनी उसकी फेस वैल्यू है या जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है उससे कम प्राइस पे इशू जब करती है कंपनी, तो उसको कहते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। दूसरे नंबर पर आता है हमारा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्लास 12th कॉमर्स के लिए 3 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन एक पक्का 3 नंबर में आता ही आता है। मैं इस बार भी उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको इसमें से मिल जाए। इन दिस कंपनी डोंट इशू शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ कैश। इसमें कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है लेकिन कैश के बदले इशू नहीं करती, रादर दे इशू शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ सम एसेट, मे बी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। अब इसमें कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, उन लोगों को करती है जिनसे कंपनी जो है कुछ परचेज करती है। परचेज क्या करती है, कोई कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मतलब जो हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये कंपनी परचेज करती है किसी से और उसके बदले में कैश नहीं पे करती, उसके बदले में कंपनी शेयर्स इशू कर देती है। तो इसमें भी आगे दो पार्ट हैं, दो पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है परचेज ऑफ सिंगल एसेट, कंपनी सिर्फ एक एसेट जो है वो परचेज करती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऑन परचेज ऑफ द होल रनिंग बिजनेस। अब कंपनी जो है किसी का चलता हुआ पूरा रनिंग बिजनेस जो है वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी जो है वो नहीं मैनेज कर पा रही बिजनेस को, तो वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं। कंपनी किसी का चलता हुआ पूरा बिजनेस जो है वो रनिंग बिजनेस परचेज कर लेती है, उसमें कंपनीज एसेट भी उठाती है और लाइबिलिटीज भी उठाती है। तो ये पेपर में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक में से और मेरे को लगता है इस बार भी इसी टॉपिक में से आएगा 100%। इसके प्रैक्टिकल करेंगे हम आगे। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, बहुत सारे MCQs करवाऊंगा। ठीक है, बी विद द चैनल, बी विद अस, देन स्टार्ट करते हैं हम शेयर इशू फॉर कैश। अब शेयर इशू जो है वो कैश पे जब कंपनी करती है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले है एट पार, सेकंड नंबर पे आता है एट प्रीमियम, थर्ड नंबर पे आता है एट डिस्काउंट।
सबसे पहले है एट पार, कंपनी जब शेयर्स को पार पे इशू करती है, मतलब फेस वैल्यू पे, मतलब नॉमिनल वैल्यू पे। सेकंड नंबर पे आता है एट प्रीमियम, ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर तीनों का। एट डिस्काउंट मतलब जब कंपनी फेस वैल्यू से पार वैल्यू से कम प्राइस पे शेयर्स को इशू करती। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो एक रूल याद कर लो, आर डी डी आर, मतलब आप आर डी पढ़ोगे और डॉक्टर बनोगे। सो इसमें हमारा रूल है आर डी पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, ठीक है, क्या आर डी पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे। तो मतलब क्या है कि ये जो आर डी है ये अलग है और ये डी आर जो है वो अलग है। आर से क्या है रिसीव्ड, डी से क्या है ड्यू, फिर डी से क्या है ड्यू, आर से क्या है रिसीव्ड। अब इसका क्या रेलिवेंस है, ठीक है, अब इसका रेलिवेंस क्या है ध्यान से देखना। अब सबसे पहले क्या होता है, कंपनी में जब हम शेयर्स अप्लाई करते हैं ना, तो एप्लीकेशन मनी जो है हमें स्टार्टिंग में इमीडिएटली पे करनी पड़ती है विदाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। मतलब कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है परचेज ऑर्डर आते हैं कंपनी की तरफ से, और उसके बाद आप जब शेयर परचेज करते हो उसके बाद आपको अलॉटमेंट होती है। तो जब कंपनी जो है एप्लीकेशन मंगवाती है, इनवाइट करती है, तो उस टाइम जो लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स में खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जो है वो स्टार्टिंग में पे कर देते हैं। तो मतलब पॉइंट कहने का माय पॉइंट इज कि कंपनी जो है एप्लीकेशंस के ऊपर पहले पैसा रिसीव करती है और बाद में उसको ड्यू करती है। देखो कंपनी का सीधा सीधा सिस्टम होता है, कंपनी चाहे कुछ भी रिसीव करे या कुछ भी पे करे, पहले वो ड्यू करेगी और बाद में क्या करती है रिसीव करती है। देखो ये सिंपल सा रूल अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, सभी बच्चे अपने दिमाग में ये रूल फिक्स कर लेना कि जब भी कंपनी की बात करते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कोई भी चीज़ चाहे कंपनी ने रिसीव करनी है, एक रुपया भी चाहे रिसीव करना है या पे करना है, तो कंपनी पहले क्या करेगी, पहले अमाउंट को ड्यू करेगी और बाद में क्या करेगी उसको पे करेगी, ठीक है। सो ऐसा ही रिसिप्ट का केस है, पहले ड्यू फिर बाद में रिसिप्ट। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है कि कंपनी पहले रिसीव करती है और बाद में ड्यू करेगी, तो ये चीज याद रखनी है, सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होता है आरडी, बाद में जब डीआर है वो एप्लीकेशन पे और सब्सिक्वेंट कॉल्स पे अप्लाई होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले है ऑन रिसीट एंड ड्यू ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो इसमें हमारे पास क्या एंट्री है, सबसे पहले है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले शेयर्स एप्लीकेशन की जो अमाउंट होती है वो रिसीव करती है और उसके बाद में उसको ड्यू करेगी। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री है ड्यू की, तो क्या एंट्री आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या एंट्री आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को हमने क्या करना है क्रेडिट, बिकॉज ये एक लायबिलिटी है कंपनी की, कौन सी लायबिलिटी है, परमानेंट लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है क्रेडिट, ठीक है जी। तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का मतलब जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो हमारे क्या है डेटर्स, और डेटर्स हमारी क्या होती है एसेट्स, ठीक है। तो डेटर्स को डेबिट कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या है लायबिलिटी, तो इसको मैंने क्या कर दिया क्रेडिट। सेकेंड पार्ट है इसका, जब हम ड्यू करते हैं, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा ऑन ड्यू एंड रिसीट ऑफ कॉल मनी। कॉल मनी की जगह पे यहां पे ना कट करके अलॉटमेंट मनी लिख लो, ठीक है, यहां पे अलॉटमेंट मनी था तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाती है। सो ऑन ड्यू एंड रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो हमने क्या करना है यहाँ पे अलॉटमेंट मनी को पहले ड्यू करना है और रिसीट करना है बाद में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एप्लीकेशन मनी पहले इसलिए रिसीव की जाती है बिकॉज एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी इमीडिएटली साथ ही परचेज करती है, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट पॉइंट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे डेटर्स हैं, और डेटर्स का मतलब जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और डेटर्स हमारी एसेट होती है, और एसेट्स हमेशा क्या होती हैं डेबिट, और क्रेडिट किसको किया है शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल क्या है हमारी परमानेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब हम इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है हमारा ऑन ड्यू एंड रिसीट ऑफ कॉल मनी, मतलब कॉल चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, एंट्री यही रहेगी हमेशा।
तो यहाँ पे है, पहले फिर ड्यू करेंगे, बाद में रिसिप्ट करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल फिर से हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डेटर्स जो है हमारी क्या होती है, एसेट, और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। बिकॉज क्रेडिट क्या क्यों होती है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है सर? अभी तो बताया आपने कौन सी लाइबिलिटी है, परमानेंट, राइट। सो नरेशन क्या आ गया, बींग अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। देन इसके बाद सेकेंड एंट्री इसकी रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसा आया है बिजनेस में, बिजनेस में जब भी पैसा आएगा इनफ्लो कैश का होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। और शेयर कॉल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारे डेटर्स थे जिनको हमने डेबिट किया था, अब डेटर्स खत्म हो गए, पैसे आ गए, तो इनका अकाउंट हमने क्रेडिट करके क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू नहीं होते कभी भी, कंपनी को बहुत सारे पैसे जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कमीशन देनी पड़ती है ब्रोकर्स को, जॉबर्स को, अंडर राइटर्स को, और उसके बाद प्रोस्पेक्टस जो है वो प्रिंट कराने पड़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड लगानी पड़ती है, ठीक है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना पड़ता सारा कुछ, तो बहुत खर्चा होता है कंपनी का जब कंपनी शेयर इशू करती है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हैं ये फिक्टिशियस एसेट होती है कंपनी की, इसको हमें राइट ऑफ करना है। कहाँ पे राइट ऑफ करना है? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है देन हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो अब यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, देखो जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट, तो हमने डेबिट कर दिया, एंट्री आ गई शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे पैसा जो है बिजनेस में से जा रहा है, मतलब पैसे का कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो, तो मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। नरेशन आ गया बींग एक्सपेंसिस पेड। नेक्स्ट एंट्री जब आती है इसको, इसमें क्या है कि मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ इशू एक्सपेंसेस को, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है मैंने आपको बताया कि इसको राइट ऑफ करना, राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखो नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ही राइट ऑफ किया रहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया कि किसी रिजर्व में से करना है या एक्यूमुलेटेड कोई हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है उसमें से करना है, तो हम उसमें से कर देंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ मेंशन नहीं किया गया, हम इसको हमेशा किस में से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास प्रीमियम का, जब कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है। देखो प्रीमियम जो है, अगर कुछ नहीं कहा गया हमारे को तो वो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में क्या होता है, इंक्लूडेड, मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट में हमेशा ऐड हो चुका होता है, बीच में ही ऐड होता है अलॉटमेंट मनी के। तो पहली दोनों एंट्रीज जो है ऊपर वाली एंट्रीज की तरह एप्लीकेशन की सेम रहेंगी, पहली एंट्री रिसिप्ट की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री ड्यू की शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कॉल। अलॉटमेंट में थोड़े से चेंजेस आएंगे, थोड़े से चेंजेस क्या आएंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो ऐड हो जाएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या है, इक्विटी का पार्ट है तो लाइबिलिटी है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो गया, एंट्री किया वाली शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर दे क्योंकि डेटर्स हैं जैसे कि ऊपर बताया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी है परमानेंट लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो है ये इक्विटी का पार्ट होता है, ये भी क्या है हमारी लाइबिलिटी, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। क्या लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दूसरी एंट्री इसकी क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री और ड्यू और रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, पहले कॉल मनी ड्यू करेंगे, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल जैसे पीछे किया था, और लास्ट में है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। डिस्काउंट का केस भी जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही है, वैसे डिस्काउंट जो है 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, मैं रिविजन करवा देता हूँ बिकॉज ये सी में भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। पहले एप्लीकेशन की अमाउंट, रिसीव और ड्यू सेम एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंजेस नहीं। डिस्काउंट भी हमेशा अलॉटमेंट में ही होता है जब तक अगर कुछ कहा ना गया हो, अलॉटमेंट में क्या होता है एक्सक्लूडेड होता है, मतलब अलॉटमेंट में से ये माइनस कर दिया गया होता है। तो डिस्काउंट एक्सपेंस है, इसको डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट की अमाउंट जो है इसमें से माइनस करने के बाद रिसीव करेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और तीसरी और लास्ट जो है वो है ऑन ड्यू एंड रिसीट ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी को ड्यू करेंगे और बाद में इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये डेटर्स हैं हमारे, पैसे लेने हैं इनसे, तो डेटर्स क्या होती हैं, एसेट्स, एसेट्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट।
और जब रिसीव करेंगे पैसा आ गया बिजनेस में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल क्रेडिट, क्यों? क्योंकि पैसा आ गया तो डेटर्स हमारे ख़त्म हो गए, अब उनके अकाउंट को हमने क्या कर देना, क्लोज कर देना। ठीक है जी, तो ये पार्ट था हमारा सिंपल शेयर इशू फॉर कैश। नेक्स्ट पार्ट में हम मैं आपको करवाऊंगा शेयर इशू कंसिडरेशन अदर देन कैश, फिर उसके बाद इनके क्या करेंगे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स बहुत सारे करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।